एक किशोर की हत्या का राज 3 साल बाद सामने आया है। यह राज एक बच्ची ने खोला है। उसके आधार पर पुलिस ने हत्या करने वाले एक नाबालिग को पकड़ा है, जिसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पकड़े गए नाबालिग से अब पुलिस घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। शाहपुर थाने के बराव में गोरेलाल कोल पिता राजमोहन 15 वर्ष का 2 दिसंबर 2019 को फंदे में लटकता हुआ शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला घोंटकर हत्या करने की जानकारी सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। 3 साल से यह मामला थाने की धूल खा रहा था। समीक्षा के दौरान SDOP नवीन दुबे ने जब उक्त केस की डायरी तलब की तो उसमें एक बच्ची के घटना के समय मौजूद होने की जानकारी सामने आई, जिसकी उम्र उस समय 11 वर्ष की थी। पुलिस ने उक्त बच्ची को पुनः थाने बुलवाकर पूछताछ की तो हत्या के संदेही का नाम सामने आ गया। घटना के समय किशोर के साथ एक नाबालिग के द्वारा मारपीट करने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने किशोर का गला पकड़कर उसके मुंह में मुक्के से मारा था, जिससे उसका जबड़ा भी टूट गया था। अधिक समय तक गला दबने से उसकी मौत हो गई थी। बाद में उसने अपराध को छिपाने के लिए रस्सी में शव को लटकाकर पीछे के रास्ते से भाग गया था। पुलिस अब नाबालिग से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी है। 3 साल पहले हत्या हुई थी, उसका राज खुला है क्या? 2 दिसंबर 2019 को राजमोहन साकेत निवासी बराव थाना शाहपुर ने थाने पे आके बताया कि उनका बच्चे गोरेलाल फांसी पे झूल रहा है, और थाने के द्वारा सूचना पाकर मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच करते हुए उसका PM कराया गया। PM रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन डॉक्टर के द्वारा बताया गया और साथ में जबड़े पे चोट के निशान भी बताए गए। इसके बाद में परिजनों के कथन बयान लिए गए। परिजनों के कथन बयान में कई लोगों के ऊपर उनके द्वारा जिनसे पूर्व में विवाद था उनके बारे में शक जाहिर किया गया। घटना के बारे में सबसे पहले एक बच्ची थी जिसने सबसे पहले मृतक को फांसी पर झूलते हुए देखा था और उसने अन्य परिवारजनों को सूचना दी थी। डायरी का अवलोकन अभी वर्तमान में किया गया और डायरी में पाया गया कि लड़की के कथन बयान में लगातार भिन्नता आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले बच्ची को फिर से बुलाया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मृतक गोरेलाल के घर पे TV देखने के लिए गई थी और उसी दौरान उससे वो छेड़खानी कर रहा था मृतक गोरेलाल। और जैसे ही छेड़खानी कर रहा था तो परिवार के ही एक अपचारी बालक जो इसमें आया है वो वहाँ पर पहुँचा और उसके द्वारा उसे 2-3 मुक्के मारे गए और उतने में बच्ची वहाँ से घर से चली जाती है। तस्दीक होने के बाद में जो अपचारी बालक था उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, उसने अपना जुर्म कबूला और उसने बताया कि उसने बच्ची को छेड़ते हुए देखा, उसे तीव्र गुस्सा आया और गुस्से पे उसके द्वारा उसके बच्चे जो मृतक गोरेलाल है उसका गला पकड़ा गया और उसके मुँह पर काफ़ी सारे मुक्के मारे गए और गला तब तक दबाए रखा गया जब तक वह मर नहीं गया। और मरने के बाद में उसे वहीं पास में पड़ी रस्सी इसे उसे फंदे पर लटका दिया और उसके बाद में जो भी ब्लीडिंग हुई थी जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी उसे पानी डाल के साफ़ कर दिया गया और उसके बाद में घर के पीछे वाली दीवार से वो कूद के भाग गया। और घटना के दिनांक के बाद से वो लगातार घर से अपने बाहर ही रहता था और लंबे समय से वह अपने जीजा के यहाँ पे रह रहा था।